सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से तड़ी पार किए गए आरोपी को डोंबिवली पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई से रिपोर्ट किए गए आरोपी सूरज चौहान को डोंबिवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ठाणे जिले के डोंबिवली में 90 फीट रोड पर चोरी करने की इरादे से आया था। उसकी हरकतें संदिग्ध लगी थी, इसलिए पुलिस उप निरीक्षक दीपक दाभाड़े, नाइक विशाल वाघ और नीलेश पाटिल जो गश्त पर थे, उन्होंने सूरज से पूछताछ करते हुए उसकी तलाशी ली। उसके पास से सैमसंग के 2 मोबाइल मिले। आगे की जांच करते हुए पुलिस ने उसके पास से 5 मोबाइल फोन, LCD टीवी, चांदी के बर्तन और अन्य चोरी का सामान जब्त किया है। डोंबिवली के सहायक पुलिस आयुक्त जयराम मोरे ने बताया कि इस कुख्यात आरोपी के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया तो शनिवार तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। डोंबिवली पुलिस उपनिरीक्षक दीपक दाभाड़े आगे की जांच कर रहे हैं कि क्या वह किसी अन्य अपराध में शामिल है। पुलिस ने अटक के लिए काय नक्की प्रकारे काय सांगाल? 28 तारखेला आमच्याकडे एक महावीर मोबाईल शॉप आहे, तिथे घरफोडी झाली होती। त्या घरफोडीमध्ये 7 मोबाईल आणि कॅश असं मिळून अराउंड 97,000 चोरी झालेली होती घरफोडी। त्यामध्ये आम्ही माहिती काढून आमचे PSI दाभाडे आणि स्टाफ यांनी मेहनत घेऊन त्या आरोपीबद्दल माहिती काढली आणि आरोपीला अटक केलं। त्या आरोपीचं नाव आहे सूरज चव्हाण, त्याचं नाव आहे, 30 वर्षाचा आहे तो। नंतर त्याला तपासाला अटक केल्यानंतर तपास केला असता त्याच्याकडून सदर गुन्ह्यातला माल हा हस्तगत झालेला आहे, तसेच इतर सुद्धा 5 गुन्हे रिकव्हर झालेले आहेत, त्याच्यामधील सुद्धा 1 लाखाचा माल हस्तगत झालेला आहे। ह्या आरोपीचा रेकॉर्ड पाहिलं तर त्याच्यावर मुंबई, ठाणे सर्व ठिकाणी 16 गुन्हे दाखल आहेत। मुंबईतून तो तडीपार पण केलेला आहे। अजून काही गुन्हे त्याच्याकडून निष्पन्न होतात का त्याबाबत तपास चालू आहे। सर, नेमकी याची मोडस कशी असायची, कोणाला टार्गेट करायचा? मोडस म्हणजे बंद दुकानं वगैरे असतील तर तो रेकी करायचा, त्यानंतर तो वॉच ठेवून रात्रीच्या वेळी शक्यतो लॉक तोडून शटर वाकवून आत प्रवेश करायचा आणि एकटाच तो आत त्यातील जो सगळा माल वगैरे आहे तो चोरी करायचा।